हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले अडानी के शेयर्स, अडानी पोर्ट और अडानी इंटरप्राइजेस किस तरीके से आपको भागता हुआ दिखाई दिया था। आज के दिन मार्केट गिरी हुई थी, सारे शेयर रिकवर हो गए मोस्टली, बट स्टिल मार्केट भी रिकवर हो गई, निफ्टी 50 भी रिकवर हो गई, बट स्टिल अगर बात करें मार्केट में प्रेशर बना हुआ था। और अभी भी एक डर का माहौल है। अगर बात करें तो मंडे को दिन भी शायद गैप डाउन ओपन हो सकती है, दोबारा नीचे जा सकती है। सो इतना कि कहा जाए कि अच्छे लेवल पे ऊपर ही ऊपर जाएगी तो ऐसा नहीं हो सकता अभी, क्योंकि अभी अगर बात करें निफ्टी आईटी और निफ्टी एफएमसीजी दोनों को गिरना है। दोनों हायर लॉक टॉप पर चल रहे हैं और हमेशा टॉप पर नहीं रह सकते, गिरना होता ही है। और जब वो दोनों गिरेंगे तो हैवी वेट शेयर है, तो यहाँ पर मार्केट भी गिरती हुई आपको नजर आ सकती है। पहली बात तो इन दो जो सेक्टर है इनसे थोड़ा सा आप मुझे लगता है दूरी बना के, और जहां पर आपको वैल्यू मिल रही है, नीचे मिल रहे हैं शेयर अच्छे अच्छे, उन्हें आपको खरीदना चाहिए। अब बात करते हैं अडानी पोर्ट और अडानी इंटरप्राइजेस की, यहाँ पर आज बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके से भागा है, और मेरा जो पर्सनली व्यू है उसके बारे में बात करेंगे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी स्टडी करके ही आप यहाँ पर कुछ परचेज करिएगा एज वेल एज अब सेल करिएगा। फाइनेंशियल एडवाइजर की भी इसमें आप अपनी हेल्प ले सकते हैं। तो आज के डेट की बात करें तो एफएल इंडिया में लोअर सर्किट लगा था, क्यों लगा था, क्या गेम प्लान है, ऑपरेटर का गेम प्लान है, क्या है एग्जैक्टली रीजन, उससे रिलेटेड बातें करिए। और क्या अपर लोअर सर्किट लगता रहेगा या फिर कभी रिकवर भी होगा, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर बात की गई है, तो इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, आपके लिए वीडियो बनाई है। बाकी कल की डेट में काफी सारी वीडियोज आई थी और यहाँ पर अगर देखे तो यहाँ पर आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, तो इन प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियोस देखिएगा, नॉलेज को शार्प करिएगा। एक बार नॉलेज आ गई तो उसके बाद आप कभी भी ऊपर लेवल पर नहीं फंसेंगे, और फिर जब मार्केट रिकवर होगा तो अच्छे शेयरों में तो ऑब्वियस सी बात है आपके शेयर फिर भागते हुए नजर आएंगे। तो आइए वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं अडानी पोर्ट की। अडानी पोर्ट की बात करें तो यहाँ पर अगर हम 5 डेज का चार्ट पैटर्न देख ले तो शेयर एक 1 मंथ का निकाल लेते हैं तो ये 900 के आसपास, अगर यहाँ पर 52 वीक हाई देखेंगे 900 के पास आके एक अच्छा खासा गिरावट यहाँ पर देखी जा चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर आज के दिन अगर देखें तो सडनली यहाँ पर इसमें अच्छा खासा जंप दिखाया, लगभग 7.15% का, 46% का। क्या हमें इस चीज को खरीदना चाहिए? और अगर बात करें हम अडानी इंटरप्राइजेस, सेम थिंग इज हैपनिंग विद इट। अगर 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखे तो इसमें भी अच्छी खासा गिरावट 1700 के आसपास आके गिरावट हुई। और अगर बात करें आज के दिन में, आज के दिन में 59% ये शेयर आपको जंप करता हुआ दिखाई दिया 127 रुपीज, और अचानक ही यहाँ पर जंप हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, वो भी अच्छा खासा गिरा हुआ था और वो लास्ट में रिकवर हुआ है, बट ये इससे पहले ये भागता हुआ नजर आ गया था। तो क्या कहते हैं, इन शेयरों को हमें बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड मैं अपनी पर्सनल रिव्यू देना चाहता हूं। तो अगर हम बात करें अडानी पोर्ट और अडानी इंटरप्राइजेस, तो देखिए किस एक जो खबर आई थी उसके बाद से लोग सारे के सारे डरे हुए हैं, अडानी के शेयरों में डरे हुए हैं। और अभी भी अगर बात करें अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी गैस, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर लोअर सर्किट लगे पड़े हैं। अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट अगर भाग रहे हैं तो शायद यहाँ पर जो लोग थे जो डरे हुए हैं, और बड़े बड़े लोग हैं जिनके आपके तो कुछ पैसे नहीं होंगे, बट अगर बात करें बिलियंस ऑफ रुपीज इसमें डाले गए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर इसमें इन कंपनीज में डाले गए हैं, तो उनका एक प्लान हो सकता है। यहाँ पर भी ये ऑपरेटर कह लीजिए या फिर बड़े बड़े लोग कह लीजिए जिनके अच्छे खासे फंसे हुए हैं यहाँ पर पैसे, दोबारा एक आपको चांद दिखा के ना आपको और ही कुछ पकड़ा जाएंगे, और फिर आपको नीचे की तरफ आप ये शेयर आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी स्टंटबाजी अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। या अगर हम बात करें अडानी इंटरप्राइजेस की, सेम थिंग इज हैपनिंग विद दिस, और यहाँ पर बैन भी करने की यहाँ पर बातें की जा रही है इन दोनों शेयरों को फ्यूचर एंड ऑप्शन से, और बाकी निफ्टी 50 का पार्ट भी है अडानी पोर्ट। तो इसलिए थोड़ा सा आपको कॉशियस रहने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको बचने की जरूरत है। रिटेल इन्वेस्टर, अगर आपको आप ऊपर लेवल पर फंसे हुए अगर मौका मिलता है तो निकल जाइए, थोड़ा बहुत लॉस होगा कोई इशू नहीं है, बट ऐसे शेयरों में अभी इस लेवल पर जहां पर ये ऑल टाइम हाई पे चल रहे हो, जहां पर इन्होंने एक अच्छी खासी रैली दिखा दी है, वहां पर आपको ये शेयर लेने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। और यहां पर छोटा मोटा अगर जंप दिखाते हैं 5%, 10%, 20% का, तो यहां पर आपको
निकलने की जरूरत है, ना कि आपको एड ऑन करने की जरूरत है। पहली बात, अगर बात करें यहाँ पर अडानी इंटरप्राइजेस, यहाँ पर कभी अभी 2 लाख के आसपास का मार्केट कैपिटल हुआ करता था, सारा का सारा वाइप आउट हो चुका है। अडानी साहब नंबर 2 पोजिशन पे थे, वी वर थिंकिंग कि नंबर 1 पोजिशन पे इंडिया में आ जाएंगे आने वाले कमिंग ईयर में, बट अभी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नंबर 2 से भी वहाँ पर खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो इस चीज को थोड़ा सा देखिए, और देखने के बाद यहाँ पर आप, क्योंकि अडानी ग्रुप भी यहाँ पर थोड़ा कॉशियस हो गया है, वो भी अच्छे खासे तरीके, मतलब उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टर्स को बुला रहा है जो कि एटलीस्ट उनकी वेबसाइट है, यहाँ पर आपने न्यूज डेफिनेटली सुनी होगी। अगर बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल्स की, तो देखिए यहाँ पर अडानी पोर्ट यहाँ पर है, फेवरेबल नजर आ रहा है आरएसआई के हिसाब से, और अच्छा खासा इसने 30 के आरएसआई से यहाँ पर जंप लगाता हुआ दिखाई दिया है। अच्छी बात है, बट मुझे नहीं लगता कि अभी आपको जल्दबाजी करनी चाहिए। ये अच्छा बेस्ट बाइंग वैल्यू भी वैसे तो यहाँ पर अभी थोड़ी सी दूरी बना के रखी है, बट स्टिल अगर बात की जाए यहाँ पर बाइंग वैल्यू की, तो यहाँ पर जब 200 DMA के आसपास आता हुआ दिखाई दिया ना, लगभग 550, 570, 560 के आसपास, तब यहाँ पर एक बार अपॉर्चुनिटी शायद बन सकती है, ऊपर जा सकता है। क्योंकि अडानी पोर्ट की अगर फाइनेंशियल्स की बात करें, तो इसके फाइनेंशियल्स थोड़े अच्छे खासे यहाँ पर नजर आते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, वो भी यहाँ पर अच्छे खासे नजर आते हैं। ईयरली वाइज भी बात करें, तो यहाँ पर अच्छे खासे नजर आते हैं। और यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल्स की बात करें, यहाँ पर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो भी काफी अच्छी है। यहाँ पर FIIs, DIIs यहाँ पर भरे हुए हैं, पब्लिक के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पर पब्लिक ही फंसती हुई नजर आएगी। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, मतलब कैश फ्लो भी इनका अच्छा खासा है, बाकी सब चीज यहाँ पर थोड़ी बहुत अच्छी खासी नजर आ रही है। और यहाँ पर पोर्ट का बिजनेस तो मुझे लगता है कि अच्छा है, बड़े बड़े पोर्ट है इनके पास, तो बिजनेस चलता हुआ नजर आएगा। बट अभी बाइंग करने की आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो मिलती है 570 के आसपास मिलती है, 200 DMA के आसपास यहाँ पर ये शेयर नजर आए। इसके अलावा बात करते हैं अडानी एंटरप्राइजेस की, तो अडानी एंटरप्राइजेस भी सेम है, अगर आपको बाय ऑन डिप्स मिल रहा है तो आपको यहाँ पर मतलब आपको ऊपर लेवल पर अगर ये जंप दे रहा है तो आपको बेच के निकल जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है दोबारा फंसने की जरूरत नहीं है, वरना ऑपरेटर क्या हो, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, कहीं ना कहीं से उनके पास पैसे आ ही जाते हैं, और वो दोबारा 1700 पे ले जाके फिर लोअर सर्किट लगाते हुए नजर आए, और फिर आप निकल ही ना पाओ। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको देखना है। बाकी इसने अगर बात करें 50 DMA से यहाँ पर जंप लगा दी है। ओके, ये 50 DMA से यहाँ पर मुड़ता हुआ नजर आ रहा है, बट मुझे यहाँ पर भी लगता है ये शेयर लगभग लगभग क्या कहते हैं 1000 के आसपास आना चाहिए। ओके, तब जाके यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट लोगों का बनता हुआ नजर आएगा, तब बिलीव कर सकते हैं। और अभी जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर बहुत ज्यादा हावी हो सकते हैं, दोबारा ऊपर ले जाके शेयर को डंप कर सकते हैं, और आप लोग फिर दोबारा फंसते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर अगर दिखाया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल्स देखे ना, यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल्स नजर आ रही है अच्छे खासे शेयर, मतलब अगर बात की जाए आज के दिन में कितने 30.52, मतलब 3 करोड़ के आसपास यहाँ पर शेयर ट्रेड होते हुए नजर आया। तो थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, अभी अडानी में स्टंट करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर अडानी ट्रांसमिशन हो, या अडानी पावर हो, या फिर अडानी गैस हो, या फिर कोई भी शेयर हो अडानी का, अभी स्टंटबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी चल रहे हैं। और इसी चीज से रिलेटेड आपको एक आगाह कराना था, बाकी और कुछ नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर प्लस।